हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस और रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम हर प्रकार के एक्सरसाइज कर लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, हम आपको जिम में फिटनेस ले लेते हैं, लेकिन रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस बराबर नहीं होने की वजह से आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा उतनी यूटिलाइज नहीं होती है और उसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम सभी जन जानते हैं, रामदेव बाबा ने कहा है, हर योग टीचर ने कहा है हमको अनुलोम विलोम करने के लिए, लेकिन कई बार ये अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है यह तरीका कई जनों को पता नहीं चलता है और गलत तरीके से अनुलोम विलोम करने से भी नुकसान होता है। अनुलोम विलोम करने में आपको एक नंबर से अगर आप सांस लेते हैं तो दो नंबर से आपको छोड़ना है, छोड़ने के बाद वही दो नंबर से आपको वापस सांस लेना है, एक नंबर से छोड़ना है, मतलब एक बार सांस लेना है, दूसरी बार छोड़ना है, वापस लेना है, वापस छोड़ना है। ऐसा करने पर हम जो ऑक्सीजन लेते हैं अपना लंग्स के बेस तक जाता है और वहाँ से बेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आने में हेल्प होता है। ये एक्सरसाइज हमें दिन में 3 बार एक एक मिनट करना है, जिससे आपके लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी और लंग्स का एक्सरसाइज की वजह से आपका ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। दूसरा और अहम एक्सरसाइज है कपालभाति। कपालभाति करते वक्त कई जन सोचते हैं पेट अंदर जाना चाहिए, पेट बाहर आना चाहिए, कई जनों को इसके बारे में प्रकार बराबर पता नहीं है। तो कपालभाति करते वक्त आपको सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान देना है, वो चीज़ है आपका श्वास बाहर जाना चाहिए। जैसे आप उस चीज़ के पास ध्यान दोगे आपकी सांस बाहर जाना है तो ऑटोमेटिक पेट अंदर जाएगा और अंदर से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो बाहर निकलने में हेल्प होगी। तो इस ढंग से आपको करना है। कई जन बोलते हैं जोर से करने की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड के अंदर एक बार या दो बार भी आप स्ट्रोक दे पाएंगे तो बस है। ये करते वक्त आपको इतना ध्यान देना है कि आपका आपकी सांस बाहर निकलनी चाहिए। कई बार सिर्फ सांस बाहर निकालना इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। ये भी दिन में 3 बार अगर आप कर लेते हैं तो आपका रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन आपके लंग्स के बेस तक जाएगा, लंग्स के बेस का कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से बाहर निकलेगा। इसके बाद आपको समझना चाहिए, जब आमतौर पर हम चलते फिरते जब सांस लेते हैं तो जब ऑक्सीजन लेते हैं तो इतने प्रमाण में ही ऑक्सीजन लिया जाता है और इतनी प्रमाण में छोड़ा जाता है, वो पूरी तरह अंदर तक नहीं आता है। इसलिए हमें ये रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करना जरूरी है जिससे हम ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को यूटिलाइज कर सके। और इसके पश्चात मैं आपको बताना चाहूँगा रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी। जैसे कि आपको पता है ये अपना थोरेसिक केज है, सामने हार्ट होता है और पीछे दो लंग्स होते हैं। तो पीछे हम जब भी कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारे बुजुर्ग लोग हमें शाबाशी देते हैं, तो यह प्रकार की शाबाशी पूरा टैपिंग ऑफ द बैक अगर आप करते हैं दिन में 3 बार एक एक मिनट, तो इससे रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी के दरमियान आपके लंग्स अच्छे से ड्रेन होंगे और आपके लंग्स को ताकत मिलेगी, आपका लंग्स का रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से होगा और आपके रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज और रेस्पिरेटरी थेरेपी की वजह से ज़्यादा 100% ऑक्सीजन यूटिलाइज किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए वो बाहर निकाला जाएगा।